हाँ बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। आई नो सब मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ओके बाय, रखता हूँ। कभी रहम दिल हो ही नहीं सकता पूर्वी, मगर एक खूनी दिमागी तौर पर बीमार लगता है। जान से मार दिया, उसका हाथ भी काट दिया। जतिन नाम है इसका, केबल ऑपरेटर है ये। तो लगता है कहीं जा रहा होगा, पर रास्ते में ये सब हो गया। सर, अंधेरी रात में आपने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। सर मेरे को डर लग गया। क्या मिला निखिल? सर यहाँ पे इस गाड़ी के टायर का निशान है, लगता है इसे अचानक यहाँ पे ब्रेक मारना पड़ा। और कोई निशान यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। सर ये किसी इंसान का काम नहीं है सर, ये वही जुलाई वाली आत्मा का काम है सर। सर उसने इससे पहले इसी महीने इसी तरह दो दो लोगों के खून किए थे सर। आज 13 जुलाई है और उस दिन 4 जुलाई की अंधेरी रात थी। इसी आत्मा ने जीवन का एक पैर काट डाला और जीवन मर गया। किसी ने खूनी को नहीं देखा। बेचारी जीवन की बहन सुनीता और उनके बच्चे, वो कैसे काटेंगे जिंदगी उनके बिना। और वो पार्लर वाली औरत, उसकी नाक और उंगली काट ली और किसी ने नहीं देखा उस आत्मा को। वो भी इसी खूनी आत्मा की हाथों मारी गई 5 जुलाई की रात को इसी तरह। लेकिन किसी ने तो देखा होगा खूनी को। नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा। जब तक हम अंदर आए रीना मर चुकी थी। ये कोई आत्मा का खेल नहीं है, ये किसी खूनी इंसान के बिगड़े हुए दिमाग का खेल है, जो इसे आत्मा का किया साबित करना चाहता है। पूर्वी इस कार को अच्छी तरह से चेक करो, जितने भी उंगलियों के निशान है सब उठा लो। सर। और तुम सब आसपास देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, सर ये देखिए विंडशील्ड पर हथेलियों के निशान है, वो भी उल्टे। सर लगता है कोई उल्टा लटक के इस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, तभी ये घबरा गया होगा और इसने अचानक ब्रेक मार दिया। और सर जतिन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होगा, इतने में खूनी ने अपना काम कर दिया। हो सकता है। कुछ और भी हो सकता है। ये देखो, नंगे पांव के निशान जंगल की तरफ जा रहे हैं। विक्रम, लाश को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो, तब तक हम जंगल में जाके देखते हैं ये खूनी कहां गया है। चलो। सर हम लोग और कितना आगे जाएंगे सर? जहाँ तक सुराग नहीं मिल जाते वहां तक। सर अगर यहाँ सुराग हो ही नहीं तो? और अगर सुराग यहीं पे हो तो?
पूर्वी तुम इस तरफ देखना। पंकज तुम्हारी आत्मा का कपड़ा। सर ये तो किसी औरत का कपड़ा लग रहा है। सफेद कपड़ा। इस सफेद कपड़े पहन के लोगों को डराती थी और जान ले लेती थी। खून किया और कपड़े भी बदल लिए। ये क्या है? अरे ये क्या, मरा हुआ चूहा? अरे चूहा नहीं है पंकज, बिग है। सर शायद उसी खूनी औरत का होगा। सर ये देखिए, लगता है खूनी ने अपने खून भरे हाथ पहुंच कर ये कपड़ा यहां फेंक दिया। गुनहगार कितना भी होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। सबूत छुपाने के चक्कर में सबूत ही छोड़ गया। जिस तरह से खून हुए उसे देखकर तो लगता है कि खूनी कोई एक ही है। पहले उसने उन तीनों को चाकू से मारा और फिर उनके शरीर का एक हिस्सा काट लिया। इन सबको देखकर लगता है कि उसके मन में बहुत नफरत भरी थी इन तीनों के खिलाफ। पहले उसने जीवन का पैर काटा, फिर रीना की नाक और हाथ की उंगली, और अब ये केबल ऑपरेटर जतिन उसका तो हाथ ही काट लिया। और सर तीनों को इसी महीने में मारा है, जुलाई में। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। और सर इन तीनों मरने वालों के बीच में कोई संबंध भी तो नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है काविन, कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर है इन तीनों के बीच में। और सर जिस तरीके से खून किया है, खूनी बहुत ताकतवर है। हाँ और बहरूपिया, खूनी बहरूपिया है, औरत बनकर खून कर रहा है वो, औरत बनकर। याद है ना जंगल में हमें औरत के कपड़े मिले और विग भी। काविन ये विग ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगा, ये विग ही पहुंचाएगा हमें। बस पता लगाना पड़ेगा ये विग कहां से खरीदा गया था और किसने खरीदा था। यस सर। रेडी, यतिन के घर जाके उसके घर वालों से मिलो, उनसे बातचीत करो, पता लगाओ कि और कौन कौन जानता था यतिन के खंडाला ट्रिप के बारे में। हाँ सालुंखे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये जतिन की लाश देख के कुछ पता चला घाव के बारे में? हाँ, जतिन का हाथ काटने के लिए जिस तरह का हथियार इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी तरह का हथियार जीवन और रीना के लिए किया गया था। इसका मतलब सर कम से कम ये तो पता चला कौन से हथियार से इन सबका खून किया गया, जो इन सारे केसेस को जोड़ता है। कौन सा हथियार नहीं यार, किस तरीके का हथियार है ये पता चला। सालुंखे साहब किस तरीके का हथियार है? देखो इन तीनों को चाकू के वार से मारा गया है, घाव काफी गहरे हैं, इससे पता चलता है कि खूनी बहुत ताकतवर है, उसने बहुत ताकत के साथ वार किया है। खूनी का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले तो वो चाकू से लोगों की जान लेता है और फिर उसके बाद बड़े इत्मीनान से बैठकर आरी से मरने वाले के अंगों को काट करके अलग करता है। कोई दिमागी रूप से बीमार आदमी लगता है, साइकोपैथ। और हाँ ये देखो, जानते हो क्या है भाई साहब, ये कुत्ते का बाल है। जो कपड़े मिले थे ना आपको जंगल में से, उन कपड़ों पर से मुझे कई अलग अलग किस्म के कुत्तों के बाल मिले हैं। ये देखो, क्रॉस ब्रीड कुत्ते, लैब्राडोर, हाउंड, डालमेशियंस, ये सब। सर लगता है ये खूनी कुत्तों का प्रेमी है। हाँ लेकिन है कौन ये कुत्ता पालने वाला
कुत्ते के बारे में जानकारी रखने वाला या फिर कुत्ते के सलून वाला? मैं और क्या बताऊं सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जितिन भैया को कोई क्यों मारना चाहेगा। वो एक सीधे साधे आदमी थे, अपने केबल नेटवर्क के बिजनेस के अलावा उनको फुर्सत ही नहीं थी कि वो किसी और विषय में सोचे। अच्छा, आपके अलावा और कौन जानता था कि जतिन खंडाला जाने वाले? खंडाला जाने के प्लान के बारे में तो उन्होंने मुझे अचानक ही बताया था, और मुझे नहीं लगता कि किसी और को भी उन्होंने इस बारे में बताया होगा। फोन पे किसी से बातचीत कर रहे हो, कुछ सुना हो? नहीं नहीं, फोन पे नहीं। सर इधर। क्या मिला? सर ये देखिए, लगता है जतिन के जो जो जरूरी काम थे या जो काम बाकी थे, रिमाइंडर्स के तौर पे उसने इस नक्शे पे सारी पर्चियां बना ली थी ताकि कुछ छूटे नहीं। 11 जुलाई पेमेंट कलेक्ट करना है, एक्सरे करवाना है, डॉक्टर के साथ मीटिंग, इलेक्ट्रिशियन, 10 जुलाई। 10 जुलाई को तो जतिन की मौत हुई थी ना? हाँ सर। 10 जुलाई 67 के साइन बिल्डिंग का केबल कनेक्शन काटना है, पेमेंट बाकी है। शायद ये जतिन उस रात आखिरी बार इस फ्लैट वाले से मिला था। 678 के सैंड बिल्डिंग में चलते हैं, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा इसके बारे में। फ्रेडी, सीआईडी वाले आपसे मिलने आए। गई क्या बात है? ये वे आपके यहाँ बनवाई गई थी। जी हाँ, ये हमारे यहाँ। किसने बनवाई थी? क्या बात है, कुछ गंभीर मामला लग रहा है। मामला वाकई गंभीर है। हमें शक है जिसने ये विग बनवाई थी वो खून भी करता है। सर ये तो औरत की विग है, औरत और खून। हाँ, क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि ये विग किसने खरीदी थी? ही? क्या हुआ? सर ये खूनी नहीं हो सकती। सर ये खूनी हो सकती है या नहीं वो हम तय करेंगे। लाइक गोकुलधाम की दया में। अरे भाई साहब, आप थोड़े भाव से आवाज भी कीजिए। हमारी सोसाइटी में सोने का आती है ना, वो तो हमेशा आवाज भी भाव ही लेती है। वो हमारी फैमिली सब्जी वाली है। अरे भाई बस आपका नहीं और मेरा नहीं, इससे 25 रुपए रखो। अरे बहन जी, इतना तो मुझे घर में पड़ता है। हाँ तो ये भी मुझे घर में ही लेके जाना है। अरे मेरे कहने का मतलब इतनी तो मेरी खरीद पड़ती है। गोकुलधाम सोसाइटी से पता कर लिया है। अरे लेकिन उसे ब्यूरो कैसे लेके जाएंगे? विक के बारे में बता के सर, विक के बारे में। अरे नहीं नहीं, गुस्सा हो जाएगी। एक काम करते, ये उसी ना वो गरबा वरबा की बातें बता कर ना उसे मना लेते हैं। वैसे भी हम दोनों को वो भाई मानती है ना। हाँ ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ, सब फ्री में लेके जाओ। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है जब भी किसी को कोई भी चीज दो ना एकदम दिल से देनी चाहिए ताकि सामने वाले को संतुष्टि हो, और टप्पू के पापा भी ये बात मानते हैं। अरे बहन जी, मैं मानता हूँ कि ग्राहक भगवान होता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मैं ये सब्जी को फ्री में नहीं दे सकता, मैं लुट जाऊंगा। अच्छा चलो भाई बस ठीक है, आप जितने कहते हो ना इतने पैसे दूंगी बस। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। सुनिए मुझे धनिया और मिर्ची मुफ्त में चाहिए। चलो ठीक है, देता मैं। लीजिए बहन जी, ये लीजिए। पैसे आ गए अपने आप तो कमल करते हैं भाई। हाँ थोड़ा और दीजिए। हाँ मिर्ची दी ना। अरे फ्रेंडी भाई, पंकज भाई, भाई कैसे हैं? हम ठीक है, आप कैसे रहे? मैं एकदम मजे में। आप लोग यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ सब्जी सब्जी, भाजी भाजी। अरे हाँ, ये तो डेली भाजी खरीदते हैं हर रोज। वाह, वैसे इनको देख के लगता ही है कि ये भाभी जी को बहुत मदद करते होंगे, एकदम पत्नी और इतना है।
पहनती है तो कुछ भी नहीं है ये ना, ये तो डेली कपड़े भी धोते हैं। तुम कुछ मुंह बंद कर, नहीं तो मैं तुझे धोलूंगा। वीक 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 वीक। अरे ये तो कमाल का सुना, आप वीक पहन के कपड़े धोते हैं। दे 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 गर्मा गर्मा गर्मा। अरे ये तो और भी नहीं सुना, आप वीक पहन के गर्मा करते करते कपड़े धोते हैं। हाँ दयानंद, मैं हर काम ना गर्मा खेलते खेलते करता हूँ। ये देखो। अरे 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 जो फ्रेंडी भाई, अभी थोड़े दिन पहले तो आपको सिखाया था, आप कुछ रहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्रेडी के पास है एक ऐसी जगह। सॉरी सर। क्या सॉरी? ये गेट पास करने से जाएगा। इमरजेंसी है। इमरजेंसी तो अपने पूरा में क्यों नहीं गया यार? वहाँ पे इंट्रोगेशन चल रहा है, इनसे कुछ पूछताछ करानी है। कौन है ये वो नमस्ते, जय जी नेंद्रा, मैं हूँ दया टप्पू के पापा गड़ा। अरे फ्रेंडी भाई, ये आप लोगों का किचन है, मुझे तो अभी पता चला। और ये जामुनी रंग है मतलब ये दराक, और ये अनार का जूस है, और ये पीला मतलब ये मौसमी का जूस है। पर आप जूस को गर्म क्यों कर रहे हैं? सूप बना रहे और आप सेफ है? अरे वो खाना बनाता है ना, उनको इंग्लिश में बोलते ना सेफ। दारजी भाई, दारजी हो? अरे मैडम, ना ये किचन है ना मैं बावर्ची हूँ, समझी? देखो फ्रेडी, अगर दो मिनट में तू इनको यहाँ से नहीं ले गया ना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओ भाई, जूस वाले भाई, देखिए मैं यहाँ अपने आप नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ फ्रेंडी भाई और पंकज भाई लेके आए हैं। मुझे भी बहुत काम है, बापूजी के लिए थेपला बनाना है, टप्पू के लिए नाश्ता बनाना है, ढोबड़ा काम पड़े है। वैसे आपका नाम? देवन, देवन, ये डॉक्टर है, डॉक्टर डॉक्टर सालुंखे। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब, आप किसके डॉक्टर है? पशु पक्षी की मनुष्य के? अगर आप मनुष्य के डॉक्टर होंगे ना, तो आप हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के डॉक्टर हाजी भाई को तो जानते ही होंगे। उनका कमल क्या है, वो डॉक्टर है ना, फिर भी खाने के बहुत शौकीन है। ये डॉक्टर सालुंखे है, फॉरेंसिक लैब के। लैब के डॉक्टर? बहुत अजीब डॉक्टर है ना। अजीब? और कान के गरीब है। अरे कान? कुछ सुनाई नहीं देता, कानपुर में हड़ताल है, कितनी जोर से बोल रहे हैं। और डॉक्टर साहब सॉरी, माफ करना, छोटी मुँह बड़ी बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ आप कब से फ्रेंडी भाई को डांट रहे हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए अगर आप ज्यादा डांटेंगे ना, तो मैं पमरुदन साहब है ना, उनको बोल दूंगी। इसको बोल देगी? पमरुदन? पमरुदन सॉरी सर, एसीपी प्रद्युमन सर। सर एसीपी? ये एसीपी का क्या हाल है ना? हाँ, बोल दो बोल दो बोल दो, जा करके एसीपी को बोल दो मैं डरता नहीं हूँ एसीपी से, अंडरस्टैंड? प्रजा सुखी। भाई साहब, ये बेचारे फ्रेंडी भाई गरबा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उनको डांट रहे हैं। और ये भाई है यहाँ पर आराम कर रहे हैं, आप इनको कुछ नहीं कह रहे हैं, और ये बेचारे फ्रेंडी भाई को डांट रहे हैं। नया बहन, हमें ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे जो सोता है ना वो सोता ही रहता है। अरे पर दिन में कोई कैसे सो सकता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और साहब आप तो डॉक्टर है, आप इनको समझाइए, उठाइए जरा। दिन में सोना ठीक नहीं है ना? नहीं, गलत बात है ना? अच्छा। हाँ, तो एक काम करो, आप जाकर के इनको उठा दो। जरूर।
भाई लगता है गुजराती नहीं है। हाँ, गुजराती नहीं। उठाओ उठाओ भाई, उठिए, चलिए चलिए चलिए, उठिए, दिनचर्या शुरू कर दीजिए, दिन शुरू हो गया है। उठाओ 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 उठाओ, हाँ उठाओ उठाओ। अरे भाई आंखें खुली रख के सो गए हैं। अरे ये उठेगा नहीं क्योंकि ये उठ गया है। हाँ मर गया, ये लाश है, ये लाश। रहने दो, ये तो संसार का नियम है, जो एक बार आया है उसे जाना भी है। तो यार इन्हें भी जाना है, इन्हें भी ले जा यार, तू ले जा इन्हें, ले जा। ओ मोरे धन नो से धन नो यार नो जे नो मोले सो सांग नो मे सो बन्नो गा नो बमण नो मे नो मोले सो सांग नो सो बन्नो सो बन्नो सो बन्नो मे जे सगे से पर बन्नो मोले जे सो बन्नो पचन नो बन्नी जे ओ नो मोले तम मन से नो नो जे नो सो। अरे दया बहन क्या हुआ? जे जे संग सो बन्नो भगवान के जे बन्नो बन्नो ले सारू के ने खुद नहीं नहीं ओ ओ गाइस फोरेंसिक लेबोरेटरी है, यहाँ पर लाशें पड़ी रहती है। तो इनको डर नहीं लगता? ये तो लाशों से बातें करते हैं। दरअसल हमने आपको यहाँ ये विग दिखाने के लिए बुलाया है। ये तो बबीता जी की विग है। बबीता जी? हाँ, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पड़ोसी है अय्यर भाई, उनके पति का नाम है वो। दरअसल हमारे में पति का नाम नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरे के पति का नाम बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर? वो बबीता जी ने वीक मंगाई थी, भाई की वीक मंगाई थी, पर गलती से बहन की वीक आ गई थी, तो वो वापस करने के लिए गए थे। लेकिन आपके पास ये वीक कैसे आई? हम बबीता जी से पूछ लेंगे। हाँ आइए, घबराइए मत, आइए। पर मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? आप आइए तो सही। सर क्या हुआ है? अब आपको कैसे बताएं क्या बात है? देखिए बबीता जी, हम यहाँ आपको बुलाकर कोई शौक देना नहीं चाहते, मगर आप इतने झिझक क्यों रहे? नहीं नहीं, मैं झिझक नहीं रहा हूँ। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं शायद वो सुन के आपको धक्का लग जाए। धक्का? जी हाँ, इस विग को देखिए। ये विग यहाँ पे कैसे आ गया? आप पहचान दिए इस विग को? इस विग ने तो मुसीबत कर रखी है। कैसी मुसीबत? बनवाया था आदमी के लिए, बन गया औरत का। किसके लिए बनवाया था ये? वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड को बाल कम है और उन्हें काफी शर्म आ रही थी एक विग वाले के पास जाने को, तो उन्होंने आपसे कहा? जी हाँ, और फिर मेरी दया भाभी को कहा। ये दया भी कहाँ आ गई इस विग की स्टोरी में? नहीं नहीं, वो एक्चुअली दया भाभी को काफी कुछ मालूम होता है ना इसके लिए। अच्छा फिर क्या हुआ? और फिर दया भाभी ने जेठा जी को कहा। और फिर जेठा जी ने पिताजी को कहा, पिताजी ने नेताजी को कहा, नेताजी ने बेटे जी को कहा। अरे बबीता जी प्लीज, कहीं तो ये खत्म होगा क्या? नहीं बताइए ना आगे क्या हुआ। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जेठा जी ने सिर्फ कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था ना कि विग कहाँ से बनाया गया है, इसलिए। आगे क्या हुआ? फिर ये विग बदलना था और असली विग लेना था, तो जेठा जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ आता हूँ। उन्होंने आपकी मदद की? और उस दुकान वाले की गलती की वजह से जेठा जी ने जो हंगामा किया, पूरी दुकान सर पे उठा लिया उन्होंने। आइए बबीता जी, आइए आइए आइए, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। अरे एक बार सेवा करने का आपको मौका दिया, वो तो आपने ठीक से की नहीं। जी मुझे समझा नहीं। अभी समझाते हैं। लाइए बबीता जी दीजिए जरा, एक सेकंड। किधर से कोता है ये? लेकिन
लेडीज वीक है, देखो जरा ध्यान से। हाँ सर, ये लेडीज वीक है। तो ये लेडीज वीक क्यों है? क्योंकि सर ये लेडीज वीक है। एक मिनट जीठा जी, एक मिनट। देखिए भाई साहब, हमने एक जेंट्स वीक का ऑर्डर दिया था और ये गलती से लेडीज वीक आ गया है। सो आप कुछ इसका। वाह वाह बबीता जी, अब कितनी अच्छी हैं आप, इतनी अच्छी क्यों हैं? इनकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, फिर भी आप इनके साथ कितनी नम्रता से बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में नम्रता काम नहीं करती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए देखिए भाई साहब, ये लात बात मत मारिए। अरे लात क्या, तुमको तो हवालात मारने की जरूरत, मेरा मतलब है हवालात में डालने की जरूरत है। पता है आपकी वजह से इनको कितनी तकलीफ हुई? अरे भाई साहब क्या हुआ, कैसी तकलीफ बताइए तो। अच्छा बताते हैं, इन्होंने अपनी एक दोस्त के पति के लिए जेंट्स वीक का ऑर्डर आपको दिया था, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्यों जेंट्स वीक के बदले लेडीज वीक बना के भेज दी। और इनके दोस्त के पति भी बेचारे जल्दी जल्दी में ये लेडीज वीक पहन के अपनी ही दी हुई पार्टी में पहुंच गए शानो शौकत से, और पूरी पार्टी में सब लोग उनको देख के हंसा हंस करने लगे। जीठा जी हो गई एहसास हो गई, सब लोग कहने लगे अरे वाह वाह वाह, पहली बार हमने दाढ़ी मूंछ वाली लड़की देखी। भाई साहब आपकी वजह से ये तकलीफ हुई उनको, और उनकी वजह से इनको तकलीफ हुई, और इनकी वजह से मुझे तकलीफ हुई। सॉरी भाई साहब, गलती हो जाती कभी कभी इंसान से। सॉरी भाई साहब, हो जाती है गलती कभी कभी, बस इतना बोल दिया, बात खत्म, बात खत्म, बस हो गई गलती, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। देखिए भाई साहब आप जरा आवाज नीचे करके बात करिए प्लीज। नहीं होगी मेरी आवाज नीचे, नहीं होगी। जीठा जी one second, just relax and calm down, okay? Just a second. Okay भैया, it's okay, it happens. आप अभी एक काम कर दीजिए, ये वीक हमें बदल के दे दीजिए प्लीज। हाँ वीक तो बदल के दीजिए और पैसे भी वापस दीजिए, फ्री में दीजिए वीक। देखिए पैसे के लिए आपको सेठ से बात करनी पड़ेगी। क्यों क्यों सेठ जी से क्यों बात करनी पड़ेगी, गलती करो तुम और भुगते सेठ जी, सेठ लोग क्यों भुगते, पैसा तुमको ही देना पड़ेंगे, दो दो पैसे दो। देखिए भाई साहब बहुत हो गया आपका, अब ना आपको पैसा मिलेगा और ना वीक मिलेगा, जाइए यहाँ से और जो करना है कर लीजिए। तो छिलनी पटली में से की बात हो। भैया प्लीज। नहीं नहीं बबीता जी नहीं, इनके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे मुंबई में क्या इनकी एक की एक की दुकान थोड़ी है, हजारों लाखों वीक की दुकान है, हम वहां से ले लेंगे, कहीं ना कहीं से तो हमें वीक मिल ही जाएगी बबीता जी। और अगर नहीं मिलेगी बबीता जी तो मैं अपने बाल काट के उसकी वीक बना के आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। यहाँ से अभी वीक तो क्या, वीक क्या बाल भी नहीं लेंगे। चलिए आइए बबीता जी आइए। अरे आइए बबीता जी आइए, बढ़िया मैं बढ़िया एक फाइव स्टार विक की दुकान में लेकर जाता हूँ। ये कोई विक की दुकान है? जेठा भाई ने विक वाले के नाक में दम कर दिया। नहीं सर, पर हाँ नाक में दम करने की कोशिश की। मतलब नाक में दम नहीं हुआ? नहीं सर, पर सर उन दोनों के बीच में बहुत बहुत ज्यादा बहस हुई, पर जेठा जी भी हार मानने वाले में से तो है नहीं। बबीता जी प्लीज प्लीज एक मिनट, अरे कहीं पर तो आपके इस महाभारत की समाप्ति होगी। हाँ सर, उस दुकान वाले ने फिर बहुत रूडली जेठा जी को कहा कि अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप खुद जाके विक बदल लो। समझ में नहीं आ रहा था सर, विक वाले ने जेठा भाई से कहा कि असली विक यानी बबीता जी वाली विक जिस आदमी के पास है, जेठा भाई उस आदमी के पास जाए और उस विक की अदला बदली कर ले। अच्छा मतलब जेठा भाई औरत वाला विक लेकर उस आदमी के पास गए जी अदला बदली करने के लिए? जी जी। और आप भी गई होंगी उनके साथ? नहीं सर मैं नहीं गई थी। आप नहीं गई थी, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप जा सकती हैं, आगे की कहानी हम जेठा जी से पूछेंगे। पर सर आप लोग ये क्यों पूछ रहे हो, हुआ क्या है? बबीता जी खून हुआ है। खून? जरा इस पर्ची पे देखिए, ये आपके लिए तो नहीं लिखा कहीं? ये तो जतिन का लिखा हुआ लगता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अगर ये आपके पास क्यों है? एक्चुअली जतिन का खून हो गया है। खून? खून? ये आप क्या बात कर रहे हैं सर?
वो भी कल ही तो हमारे घर पे आए थे। और कल ही खंडाला रोड पर उनका खून हो गया, आपके घर से निकलने के बाद। कहीं आप लोग हम पर तो शक नहीं कर रहे? क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, शक से शुरुआत करते हैं और सबूत तक पहुंचते हैं। लेकिन हम क्यों मारेंगे उनको सर? हाँ, केबल की पेमेंट को लेकर थोड़ा झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन क्या हम आपको खूनी दिखाई देते हैं? वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि जतिन यहाँ अकेला आया था या फिर उसके साथ में कोई और भी था? जी नहीं, वो अकेले थे। खंडाला जाने के बारे में कुछ बात कर रहा था वो? हाँ हाँ, वो कह रहे थे कि यहाँ से वो खंडाला जा रहा है। ये बात आप दोनों के अलावा और किसी ने सुनी थी? दरवाजे पे खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो, आते जाते ना जाने कितने लोगों ने सुना होगा, हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे। सर, ये रीना रहती थी कालीन हाउस में और जतिन रहता था सुपांडी सोसाइटी में। सर, ये जीवन अपनी चचेरी बहन सुनीता और उसके बच्चों के साथ रहता था डायमंड अपार्टमेंट में। और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से 1 किलोमीटर के दायरे में रहते थे। सर, लेकिन ये एक संयोग भी तो हो सकता है। कभी संयोग दो लोगों के साथ हो सकता है, तीन के साथ नहीं। संयोग नहीं तो फिर क्या हो सकता है सर? इसका एक ही मतलब हो सकता है फ्रेडी, खूनी इन तीनों के आस पास ही रहता है। एक बात और है सर, मरने वालों में एक कॉलेज प्रोफेसर है, एक ब्यूटिशियन है और जतिन केबल ऑपरेटर है। ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिस वजह से खूनी ने इन तीनों को अपना शिकार बनाया होगा? फ्रेडी, एक काम करो, रीना के घर से जो फोटोग्राफ्स मिले ना, लेकर आओ। कविन, देखो, खूनी ने जीवन और जतिन इन दोनों के शरीर का सिर्फ एक ही हिस्सा काटा है, सिर्फ एक। अगर रीना की नाक भी काटी और उंगली भी काटी। क्यों सर? ये देखो रीना की उंगली पर ये अंगूठी। सर, लगता है ये अंगूठी काफी महंगी है। और इसीलिए रीना की उंगली काटी गई फ्रेडी, इस महंगी अंगूठी के लिए। सर, अभी तक तो खूनी के बारे में पता नहीं चला है, अंगूठी कहां से ढूंढेंगे? रेडी, ज्वेलरी शॉप में से। खूनी ये अंगूठी अपने पास सुनी रखेगा, किसी न किसी ज्वेलरी शॉप में जाएगा ही ये अंगूठी बेचने के लिए। बस पता लगा शहर में ऐसा कौन सा ज्वेलरी शॉप है जहां पर ये अंगूठी बेची गई है और कौन बेचने आया था। आसानी पता चला कुत्तों के बालों के बारे में। अच्छा, एनिमल लवर्स क्लिनिक गोरेगांव। सर, सुप्रिया मार्केट में तनीषा नाम की एक लड़की का बुटीक है, वहां पे जेठालाल ने वो वीक दी थी। ओके लेडीज, अभी तुम लोग जाओ, हाँ, बट कल टाइम पे आ जाना, कल हम अपने फैशन शो की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, you can go now, leave it, मैं रख दूँगी, bye bye। bye 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 bye। कौन है? छोड़ दो,
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। सर, वो रहा तनिषा का बुटीक। प्लीज छोड़ दो। तनिषा, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी, संभाल के। तो रीना की दोस्त है। आखिर सबके पीछे है कौन? सीआईडी जी, कहिए क्या मदद कर सकता हूं मैं? डॉक्टर साहब, हम एक खूनी की तलाश कर रहे हैं जिसने 3-3 खून किए हैं। उसके कपड़ों से हमें कुछ ऐसे क्रॉस ब्रीड कुत्तों के बाल मिले हैं जिसका डीएनए आपके यहाँ इलाज कराने वाले कुत्तों के डीएनए से मैच करता है। यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग अपने कुत्तों के इलाज के लिए आते हैं, अब किसका बाल मिला है हम कैसे बता सकते हैं? कुत्तों का छोड़िए, हमें वो आदमी चाहिए जिसने खून किए। सर, वी आर डॉग लवर्स, कुत्तों से इतना प्यार करते हैं, इंसान को कैसे मार सकते हैं? ये तो फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद ही पता चलेगा। फिंगरप्रिंट्स? जी हाँ, जतिन नाम का आदमी जिसका खून हो चुका है, उसकी गाड़ी पर से हमें खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिले। तो डॉक्टर साहब, हम आपके और आपके स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स के साथ उस फिंगरप्रिंट को मैच करना चाहते हैं। प्लीज कोऑपरेट। सर, इनका भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। थैंक गॉड, मैं तो डरा हुआ था कि अरे कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? डॉक्टर साहब, हमें आपकी एक और मदद चाहिए। जी, हमें आपके उन सारे क्लाइंट्स के नाम और पते चाहिए जो अपने क्रॉस ब्रीड कुत्तों को यहाँ आपके क्लिनिक में इलाज कराने के लिए लाते हैं। श्योर। सर, रीना की अंगूठी की डिजाइन हमने सारे ज्वेलर्स को भेजी थी, सिर्फ इस सलोरा ज्वेलर्स ने पहचान की है। और श्रेया, ताज्जुब की बात तो ये है कि साधारण सी अंगूठी के लिए खूनी ने रीना की उंगली काट दी। आइए सर, क्या देखना चाहेंगे आप लोग? हम सीआईडी से, हमने ही आपको कॉल किया था। ओ हाँ, आप लोग किसी लड़की की अंगूठी के बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ। इसी डिजाइन की कॉपी हमने आपको भेजी थी और इसी लड़की की वो अंगूठी है, रीना नाम है उसका। अंगूठी तो यही है, मगर ये अंगूठी मैंने किसी और के ऑर्डर पे बनाई थी। तो फिर किसके ऑर्डर से बनाई थी? देखिए, किसी का खून हुआ है, प्लीज। हाँ बताता हूँ। ये देखिए, तो ये बात है, अब तक सीआईडी के सामने नाटक चल रहा था, तो अब तुम देखो सीआईडी का तमाशा। मेहरबान साहिबान, कदरदान लाले दी जान, जल्दी आइए जल्दी, आपके सामने एक तमाशा पेश करने वाले हैं हम लोग। एक ऐसा तमाशा जो सच्ची घटना पे आधारित है, एक ऐसा तमाशा जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। जल्दी आइए मेहरबान साहिबान। अरे बहनों, भाइयों, दोस्तों, जल्दी आओ। छछुंदर के सिर पे चमेली का तेल, देखो रिश्तों का बनता बिगड़ता खेल। ठीक है सर, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तमाशा तमाशा, हम यहाँ आपके सामने एक तमाशा लेकर आए।
अच्छा लगे तो ताली बजाना और पसंद ना आए तो जोरदार ताली बजाना, लेकिन ताली जरूर बजाना। तालियां। ये कहानी है एक लड़के और एक लड़की की। लड़का लड़की से बेहद प्यार करता था। ए लड़की, तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। सच्ची? मुझे कसम से मेरा प्यार सच्चा है, जैसे चकोर चांद से करता है, झरना नदी से करता है और खुशबू फूल से करती है। और ये फूल तुम्हारे लिए, इसमें मेरा दिल है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें से शादी करूंगी। लेकिन मेहरबान कदरदान साहिबान लाले दी जान, जिस लड़के की शादी होने वाली थी उसकी एक बहन भी थी। बहन, शुरू हो जाओ। ये तूने क्या किया? मेहरबान साहिबान कदरदान, भाई को मारने के बाद भी बहन रुकी नहीं, उसने उसकी मंगेतर का भी खून कर दिया। दोनों को मारने के बाद भी बहन का खूनी खेल बंद नहीं हुआ। अरे उठ जा, तेरा रोल खत्म हो गया, उठ जा। एक बेचारा निर्दोष राह चलते जा रहा था, इसे क्या मालूम कि वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। जा भाई, मर जा। कुछ भी किया अपने बच्चों के लिए किया। रीना मुझसे कई बार कह चुकी थी कि जब उसकी शादी जीवन से हो जाएगी तो मुझे जीवन का घर छोड़ना पड़ेगा। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाती? मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों को अपने रास्ते से हटा देती हूँ। और मैंने वही किया, लेकिन मुझे लगा कि लोगों को मुझ पर शक ना हो जाए, इसलिए इसको सीरियल किलिंग का रूप देने के लिए मैंने जतिन का भी खून कर दिया। तुम्हें क्या लगा ऐसा करने से तुम बच जाओगी, हैं?
यस सर। हाँ सर। एएलसी क्लिनिक में तनीषा के साथ तुम ही जाती थी ना? मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा और तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत खतरे में हूँ, मेरे पीछे सीआईडी लगी हुई है, प्लीज मुझे बचा लो। क्या सीआईडी? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे बच्चे को और मुझे शहर से दूर भेज दो, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। खून करने में मैं तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन सीआईडी से बचना नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा भुवन तुमने, हमें पहले से पता था ये काम इस अकेली लड़की का नहीं है, इसमें कोई और भी शामिल है, इसीलिए हमने उसे वहां निकलने दिया। मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। सीआईडी से आज तक कोई भी मुजरिम नहीं छूटा। सर मैं मजबूरी में कर रहा था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैं जिस कंपनी में एमडी था, सुनीता वहां क्लर्क के तौर पर काम कर रही थी, उसने मुझे कंपनी के 5 करोड़ रुपए गबन करते पकड़ लिया था। इसके पास मेरे खिलाफ पक्के सबूत थे, ये मुझे आसानी से 15 साल के लिए जेल भिजवा सकती थी। मैंने इसे रुपए देने चाहे, मगर इसने खून में मदद करने की शर्त रखी, या तो मैं इसकी मदद करता या जेल जाके मैं अपनी और महक की जिंदगी बर्बाद कर देता। उस दिन भी ये मेरे घर में मुझे धमकी दे रही थी, तभी जतिन ने डोरबेल बजाया। सच कह रहे हो तुम? अगर तुम्हें बचना है ना, तो जो मैं कहती हूँ उसे मान। मैं और खून नहीं कर सकता। 5 करोड़ रुपए की चोरी की है तुमने, तो ठीक है, जेल की चक्की पीसने के लिए ना तैयार हो जाओ, नहीं तो भूखी मरेगी तुम्हारी ये प्यारी बीवी। तेरे बोलो तो ठीक है, अपने दिलो दिमाग से ये पीछे हटने का ख्वाब ना निकाल दो, और एक और खून करना है तुमने। क्या? सुनीता ने अमित जतिन से लड़ते हुए देख लिया था, और उसे जतिन के खंडाला जाने का प्लान पता था, और तुम दोनों ने मिलकर जतिन को मारने का प्लान बनाया है ना? हाँ, जीवन और रीना का खून को और उलझाने के लिए मुझे एक और शिकार की जरूरत थी, और तुम्हारा शिकार था बेचारा जतिन। जायदाद की लालच में तुमने 3-3 मासूम लोगों की जाने ली, 3-3 लोगों की जाने ली, और वो तुम, उसमें तुमने इसका साथ दिया, तुम भी उतने ही दोषी हो जितने की ये है। तुम दोनों को तो फांसी ही होगी, फांसी। एसीपी प्रद्युमन की विनती स्वीकार कर ली है कि सीआईडी टीम सुनीता के बच्चों की तब तक देखभाल करेगी जब तक वे बालिग नहीं हो जाते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।